हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं सिक्वाट चैनल। मैं हूं आपका फ्रेंड श्रीकांत। तो आज मैं पेंसिल के बारे में कुछ डिस्कस करने वाला हूं। आपको कौन सा पेंसिल कहां पर परचेज करना चाहिए ये मैं बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखिए और अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो गाइस, मैं आपको कुछ पेंसिल पहले दिखाने वाला हूँ, कौन सा पेंसिल मैं कहाँ से परचेज किया था ये दिखाने वाला हूँ एंड बताने वाला हूँ कहाँ पर कौन सा रेट चलता है, ऑनलाइन से आपको परचेज करना चाहिए का आपका बगल में कोई स्टेशनरी शॉप है तो वह फिर पेंसिल का जो शॉप रहता है तो वह पर आपको परचेज करना चाहिए ये मैं बताने वाला हूँ। कहाँ पर कौन सा कितना रेट भी बताने वाला हूँ, कौन सा पेंसिल का कौन सा रेट कहाँ पर मैं परचेज किया था ये भी बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो मैं आपको सबसे पहले ये पेंसिल आपको दिखाने वाला हूँ, जो ये अप्सरा का, ये बहुत ही चीप पेंसिल होता है, ठीक है। ये अप्सरा का बहुत ही चीप पेंसिल होता है, ये बहुत ही आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, कोई पे भी आपके घर के बगल में कोई की कहीं पे भी मतलब आपका स्टेशनरी शॉप होगा तो वहाँ पर मिल जाता है ये पेंसिल का जो शॉप रहता है, तो वहाँ पर आपको ये अप्सरा पेंसिल जो देख सकते हैं मेरे हाथ में, ये बहुत ही चीप रेट पे मिल जाते हैं, चाहे 3 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, ऐसे ही करीब आपको मिल जाता है। और भी और एक पेंसिल मैं दिखाने वाला हूँ, जो ये पेंसिल मैं परचेज किया था, ये देखिए, ये तो यूज कर लिया मैं बहुत, ठीक है। ये मुझे मैं परचेज किया था, ये ऑनलाइन से परचेज किया था, ये मैं कोई स्टेशनरी शॉप से नहीं किया था, तो इसको मैं 300 चाहे पूरा सेट में परचेज किया था, 12 पीस था पेंसिल, तो इसको 300 शायद पड़ गया था, बहुत दिन पहले का ये, ठीक है, बहुत दिन मतलब ज़्यादा बहुत दिन का नहीं है, ठीक है। तो ये बियानो पेंसिल है, ठीक है, बियानो पेंसिल है, ठीक है। तो और एक पेंसिल मैं दिखाने वाला हूँ आपको, जैसे ये आप देख सकते हैं, ये कहिनूर का, एक कहिनूर का जो पेंसिल है, ये मैं 4B ओनली लेके आया हूँ ओनली शॉप से, देख चेक करने के लिए कैसा पेंसिल है, इसको मैं ड्राइंग बना के चेक करूँगा कैसा पेंसिल है, उसके बाद बताने वाला हूँ आपको पेंसिल परचेज करना चाहिए क्या नहीं चलना करना चाहिए ये बताने वाला हूँ। इसलिए आप वीडियो को आगे भी वीडियो देखते रहना, ठीक है। तो ये भी बहुत ही चीप रेट पे मिल गया, ये मुझे मिल गया था, मैं दिखा देता हूँ, मेरे पास बिल भी है। तो ये कहिनूर का आप देख सकते हैं, ये मुझे मिल गया था, ये 35 रुपये मिल गया था, ठीक है, ये 35 का है। तो और एक पेंसिल है ये जो आप देख सकते हैं, ये है आर्ट लाइन का पेंसिल है, ठीक है। ये भी बहुत ही चीप रेट पे मिल जाता है ये, ठीक है। ये आप ऑनलाइन से देखेंगे तो थोड़ा आपको ज़्यादा रेट पड़ जाता है, लेकिन आप ये कोई स्टेशनरी शॉप से आप परचेज करेंगे तो आपको बहुत ही चीप रेट में मिल जाता है। जैसे ये जो पैकेट आप देख सकते हैं, ऐसा ही पैकेट है, ठीक है। तो इसको इसमें देखिए परचेज कितना लिखा हुआ है, 60 रुपया लिखा हुआ है MRP, ठीक है, लेकिन ये मुझे 50 रुपये में मिल गया मार्केट से, ठीक है। मतलब पेंसिल का जो शॉप है, शॉप जैसे मतलब स्टेशनरी शॉप है, वहाँ पर मिल गया था मुझे ये 50 रुपये में। अगर ये आप ऑनलाइन से परचेज करने जाएंगे तो आपको ये 100 रुपये शायद, अभी 100 रुपये शायद चल रहा है शायद अमेजन में मैंने देखा था, तो वहाँ पर उसके बाद आपको डिलीवरी चार्ज भी लग जाता है, तो बहुत ही रेट पड़ जाता है। इसलिए आप ये अगर कोई स्टेशनरी शॉप से परचेज करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा, ठीक है। कोई भी पेंसिल अगर आपको स्टेशनरी शॉप से मिल जाता है तो आप ज़रूर स्टेशनरी शॉप से परचेज करने के लिए सोचिए, क्योंकि ऑनलाइन से ज़्यादा ही पड़ जाता है, ठीक है। तो ये अप्सरा का जो आप ब्लैक पेंसिल देख सकते हैं, ये ग्लास मार्किंग पेंसिल है ये, ठीक है। ये मैं एक पीस लेके आया था इसको चेक करने के लिए, हाई ब्लैक है, ठीक है, ब्लैक पेंसिल है ये जो डार्क एरिया है उसके लिए बहुत बढ़िया है, इसके लिए मैं इसको परचेज किया था, इसको मैं चेक करूँगा कैसा है, ठीक है। ये भी बहुत ही कम रेट पे मिल गया, मैं इसका भी बिल है मेरे पास तो मैं दिखा देता हूँ, देख सकते हैं ये अप्सरा ग्लास मार्किंग पेंसिल है, ये 10 रुपये का, ओनली 10 रुपया, देख सकते हैं ये बहुत ही ब्लैक है, ये जो
चीप रेट में, जैसे आप ये वाला देख सकते हैं, ये कॉन्टेपरिस का है, ये देख सकते हैं आप, ये भी ब्लैक पेंसिल है, ये कॉन्टेपरिस का है, ठीक है, इधर है, इधर है, तो ये कॉन्टेपरिस का है, ये आपको मिल जाता है, पता है कितना में, दिखा देता हूँ आपको, ये कॉन्टेपरिस का मुझे मिल गया 1 रुपया में, सॉरी 1 पीस में 100 रुपया, ठीक है, एक पेंसिल का ये 100 रुपये का आता है, ये भी ब्लैक हाई ब्लैक पेंसिल है, ये चीप रेट में, ये 10 रुपये में आपको मिल जाता है ये ब्लैक पेंसिल, ठीक है, एक ही काम करेगा थोड़ा, लेकिन ये अच्छा ही है, क्योंकि ये तो रेट से ही आपको पता लग जाता है क्वांटिटीज का, आपको देख सकते हैं अब बड़ा बड़ा आर्टिस्ट के पास ये है, यूज करते हैं जहाँ पर, जैसे ब्लैक जहाँ पर ज़्यादा यूज होता है, जैसे हेयर पे, तो ये बहुत ही अच्छा है, ठीक है, लेकिन आपको अगर चीप रेट में चाहिए तो ये अप्सरा का बहुत ही अच्छा है, 10 रुपये में मिल जाता है। उसके बाद मैं दिखाने वाला हूँ आपको जैसे ये स्टेटलर का, तो आप ये हर आर्टिस्ट के पास देख सकते हैं जहाँ पर आप बड़ा बड़ा आर्टिस्ट है, तो इसी को इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, आप देख सकते हैं ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, ये बहुत ही अच्छा होता है, मैं पिछले वीडियो में भी बताया हूँ ये स्टेटलर पेंसिल बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं ट्राई करने से आप पता लग जाएगा कितना अच्छा है, ठीक है। और ये फुर भी है, इसका मैं रेट बता देता हूँ, एक पेंसिल का मैं रेट पहले बता देता हूँ, ये बाहर से शॉप से मैं मतलब परचेज किया था जहाँ पर स्टेशनरी शॉप है, ठीक है, तो ये 4B लोमोग्राफ पेंसिल, तो आप देख सकते हैं ये आपको पड़ जाता है ये 50 रुपये में, ये बाहर से मैं परचेज किया तो 50 रुपये में, लेकिन ऑनलाइन से मैं परचेज करने जाऊँगा 100 रुपये से लगभग पड़ जाएगा, ये मैं बहुत चेक कर लिया हूँ, लेकिन इसका सेट भी मैं मंगाया था ऑनलाइन से, मुझे बहुत ही पड़ गया था, ठीक है, इसलिए मैं और देखता नहीं, पहले शॉप में दे देता हूँ, शॉप में अगर मिल जाता है तो मैं शॉप पे ले लेता हूँ, कोई काजू रोटी इतना पैसा लगाने का, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं ये चारकोल पेंसिल है, ये 3 पीस है, ये 3 पीस सेट जो है ये मैं परचेज किया था उसी ओनली 48 रुपया में, ठीक है, 48 रुपया में मिल गया मुझे ये पेंसिल, अगर ऑनलाइन से आप चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कितना में ये चल रहा है, ठीक। अगर आप कहाँ पर मैं परचेज किया हूँ ये आपको जानना है तो एक वीडियो है उसको आप चेक करिए, जैसे मेरा ये जो वीडियो का आई बटन है ना ऊपर, तो इसको चेक कर लीजिए, उसमें मिल जाएगा आपको वो वीडियो, उसमें मैं पूरा डिटेल्स में बताया हूँ कैसे आपको जाना है, अगर आप दिल्ली के आसपास रहने वाले हो तो जा सकते हैं दिल्ली में चांदनी चौक पे, मतलब परचेज करने के लिए, तो उसमें मैं कैसे जाना है, कहाँ से क्या करना है, मेट्रो में कौन सा मेट्रो पकड़ना है, सब बताया हूँ उस वीडियो में, दिखाया भी हूँ, तो उसको आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में, उसमें भी मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, तो उसको आप चेक कर लीजिएगा एक बार, तो आपको पता लग जाएगा कैसे कहाँ से क्या जाना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ये वीडियो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करके शेयर भी कर दीजिए, और कमेंट पे भी बताइए आपको कैसा लगा वीडियो, और भी कुछ बताना है तो बता दीजिएगा, कोई बात नहीं, और अगर अच्छा नहीं लगा हो तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलता रहूँ कि डिसलाइक सोचिए, अगर करना है तो कर दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ करना है, डिसलाइक करिए चाहे लाइक करिए, लाइक तो जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो के लिए, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो में पेंसिल के बारे में कुछ डिस्कस करने वाला था तो कर दिया, तो आप देख लिए कौन सा पेंसिल कहाँ पर परचेज करना चाहिए, तो ज़रूर आप सोचिए अभी आप कहाँ पर परचेज करेंगे। मेरे ख्याल से तो मैं बोलूँगा कि ऑनलाइन से नहीं, कोई शॉप वगैरह होगा तो वहीं पे चेक कर लीजिएगा, आपको अगर पेंसिल मिल जाता है तो आप शॉप से परचेज कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही आपको रेट कम सस्ता में मिल जाएगा ऑनलाइन से, ऑनलाइन से तो बहुत ही ज़्यादा हाई लग जाता है। तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो रहा है, वीडियो या फिर मैं ख़त्म करता हूँ, आगे भी ऐसे ही न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बगल में घंटे वाला बेल है ना उसको भी दबा दो, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल जाए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।